हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट नेटिव पेपर से बैनर डिजाइन किया था। इस वीडियो में हम बॉटम टैब नेविगेशन के बारे में पढ़ेंगे, बॉटम टैब नेविगेशन डिजाइन करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स पे नेविगेट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन होगी जो कि फर्स्ट टैब के क्लिक पे ओपन होगी, और ये होगी सेकंड स्क्रीन एल्बम, जिसमें हम सेकंड टैब पे नेविगेट करवाएंगे। थर्ड स्क्रीन होगी रीसेंट, उस पर नेविगेट करेंगे तो ये स्क्रीन विजिबल होगी। एंड नेक्स्ट होगी नोटिफिकेशन स्क्रीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिएक्ट नेटिव पेपर की वेबसाइट पे जाएंगे और कंपोनेंट्स में जाएंगे, बॉटम टैब नेविगेशन में जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम टैब नेविगेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे टैब्स के क्लिक पे स्क्रीन चेंज हो रही है, तो इसके लिए हमें रिएक्ट नेटिव पेपर से बॉटम नेविगेशन इंपोर्ट करना होगा। तो कोड में चलते हैं और यहाँ पे SRC के अंदर एक फोल्डर बना लेंगे नेविगेशन। नेविगेशन में फाइल बना लेंगे बॉटम टैब बार। RNF से फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे और app.js में इंपोर्ट कर लेंगे। अब बॉटम टैब बार में हम बॉटम नेविगेशन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पेपर, और यहाँ पे बॉटम नेविगेशन में हमें 3 प्रॉप्स पास करने होंगे। तो यहाँ से टेक्स्ट हटा लेते हैं और बॉटम नेविगेशन ले लेते हैं। बॉटम नेविगेशन में फर्स्ट प्रॉप है नेविगेशन स्टेट, जिसमें हम इंडेक्स और राउट्स भेजेंगे। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इंडेक्स और राउट्स के लिए हम स्टेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे स्टेट्स हमने बना लिए हैं, राउट को हम बाहर ले लेते हैं। तो राउट्स हमने बाहर ले लिए हैं। नेक्स्ट हम ऑन इंडेक्स चेंज पे इंडेक्स को सेट स्टेट करवाएंगे एंड देन रेंडर सीन। तो इसमें हम अपना UI रेंडर करवाएंगे जिस भी स्क्रीन पे हमें रिडायरेक्ट करना है। तो रेंडर सीन हम इस तरीके से बनाएंगे। रेंडर सीन में हमने बॉटम नेविगेशन डॉट सीन मैप करवा लिया है। इसके अंदर हमने म्यूजिक, एल्बम, रीसेंस एंड नोटिफिकेशन 4 टाइप के टैब्स ले लिए हैं। अब यहाँ पे म्यूजिक राउट में दिया हुआ है टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट के बजाय स्क्रीन्स ले लेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहीं पे स्क्रीन्स ऐड कर लूँगी। मैंने स्क्रीन्स ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई। अगर आपको कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से गिटहब का लिंक देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बॉटम टैब बार डिज़ाइन हो गया है और यहाँ पे हम डिफरेंट टैब्स पे क्लिक करने पे नेविगेट कर पा रहे हैं डिफरेंट स्क्रीन पे। तो आप भी इस तरीके से बॉटम टैब बार बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव पेपर के थ्रू। यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट बॉटम नेविगेशन और कुछ प्रॉप्स आपको ऐड करने होंगे और आपको स्क्रीन्स ऐड करनी होंगी, जो भी स्क्रीन आपको शो करवानी है ऑन क्लिक ऑफ टैब। तो आई होप आपको बॉटम टैब बार समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।